हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय इंटरेस्टिंग क्रिएटिव वर्ल्ड में। तो आज आपको देख के पता चल रहा होगा हम क्या बनाते हैं। ये है बच्चों के लिए किट जिसमें पेन वगैरह रूल वगैरह वो रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई मैंने चौड़ाई 9.5 इंच रखी है एंड लंबाई 10.5 इंच है। और उसी शेप में मैंने एक रैग जीन का टुकड़ा लिया है, उसे भी इतनी चौड़ाई लंबाई में काट लिया है। अब मैं इसके ऊपर एक छोटी सी पॉकेट बनाऊंगी वाइट कलर की, इस तरह की, जिसे मैंने एक नेट लेके बना लिया है। मैं जोड़ दूंगी उसे, तो इसमें इस तरह से एक पॉकेट सिल ली है मैंने। इसमें एक बटरफ्लाई और लगाऊंगी। तो इस जगह एक मैंने छोटी सी बटरफ्लाई बना ली है और उसे मैं यहाँ जोड़ दूंगी। इकट्ठा करके ही बनाना है इसे, तो बटरफ्लाई अपना लुक नहीं देगी। इस तरह से इस बटरफ्लाई को लगा दिया मैंने इसमें सिल के। ये इस तरह का लुक दे रही है। अब मैं इसमें चैन ऐड कर लेती हूँ। इसलिए मैंने एक चैन ली है, तो इसमें मैं चैन लगा लेती हूँ। पहले चैन लगाएंगे इसमें, इस तरह से चैन ले ली है और मैं इसे ऊपर से ही लगाऊंगी, इसे इस तरह से मोड़ के, इस तरह से। अच्छे से मार्जिन रखना है जिससे ये चैन निकले नहीं। ऐसे इस तरह से सिलना शुरू करते हैं। ये चैन इधर लग गई है, दूसरी साइड में भी इसी तरह से चैन लगा लेंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ चैन लगा लिए। अब हम इसे उल्टा कर लेंगे और उल्टा करके दोनों साइडों से सिल देंगे, इधर से और इधर से। सिलाई को डबल कर दें जिससे ये निकले नहीं। दोनों साइड से ही ऐसे ही सिल लेना है। तो इस तरह से ये दोनों तरफ से सिल गया है। अब हमें थोड़ा सा स्पेस देने के लिए इस जगह को अब अंदर से सिल सकते हैं, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा लेके और मशीन से इस जगह को इस तरह से सिल सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा बीच का हिस्सा चौड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों कोनों को सिल लिया है। अब ये इसे हम सीधा कर लेते हैं। तो ये इस तरह से बन जाएगा शेप। इसकी कोने हमने सिले हैं
से ये इस तरह की सेप बन गई है दोनों तरफ से ये रखी हुई। और तो ये इस तरह से मैंने सीधी कर ली। इस तरह से ये बन गई। आप इसे डेकोरेशन के लिए कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, मोती लगा सकते हैं। मेरे पास एक इस तरह का रैबिट है, इसे मैं यहाँ लगा दूँगी। यहाँ लगा सकते हैं या आप पीछे की साइड में भी लगा सकते हैं, जिससे कुछ अलग तरह का लुक देगी। तो ये बन चुकी है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।